वगैरह ले आए, सुबह का नाश्ता जो काफ़ी अच्छा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस देख सकते हैं अभी हम गोमो पहुंच गए हैं, और अभी जो है गाइस चौपान एक्सप्रेस अभी 4 में लगल नहीं, बता रहा था 5 नेट में देखें, तो अभी देख सकते हैं गाइस 4 में लग रहा है, और अभी जो है गाइस इसी से निकलेंगे। और कंफर्म नहीं था पहले कि कहाँ पर दिखा रहा था 5, लेकिन 5 में तो दूसरा ट्रेन था गाइस, और 4 में अभी ट्रेन लगल नहीं था, तो अभी लग रहा है चौपान। तो अभी गाइस निकलते हैं इसी से, और अभी जो देख सकते हैं गाइस गोमो का कुछ सीन इसी तरह का काफ़ी अच्छा है गाइस, और अभी जो निकलेंगे गाइस इसी से तो निकलते हैं गाइस। अभी चंद्रपुरा पहुंच गए, और अभी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 में है गाइस, और रांची इंटरसिटी जो बता रहा है 6:39, तो अभी वेट करते हैं गाइस, देखते हैं कब तक आएगा। 6:39 तो टाइम बता रहा है, उसके बाद निकलेंगे गाइस। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा गाइस, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं। फाइनली गाइस देख सकते हैं अभी बोकारो पहुंचे हैं गाइस, और अभी जो है गाइस यहाँ नाश्ता तक करेंगे, उसके बाद ही निकलेंगे स्टेट। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो गया है, जिस कारण ठंड बढ़ गया गाइस। तो अभी यहीं पर बैठते हैं गाइस, नाश्ता तक करते हैं, उसके बाद ही निकलेंगे। तो फाइनली गाइस अभी देख सकते हैं नाश्ता तक कर रहे हैं, ये देख सकते हैं गाइस लिट्टी, और ये लग जो है भैया लाए थे रात में, तो वही सोचे कि ये ले आए, सुबह का नाश्ता जो काफ़ी अच्छा है और सेहत के लिए अच्छा भी, हम सोचे ये सुबह वाला लाएँ, सुबह ले आए, तो इसीलिए गाइस नाश्ता में इसीलिए ले आए हैं। तो अभी नाश्ता से करते हैं गाइस, उसके बाद निकलेंगे सेट। इसलिए गाइस अभी नाश्ता से कर लेंगे गाइस, तभी निकल रहे थे, तो मेरा दोस्त आया राउर केला रांची जो एक्सप्रेस है उसी से है, तो अभी जो रूम गया गाइस साइकिल लाने के लिए, ये जो सामान है उसी का है, तो अभी उसी का सामान देख रहे हैं गाइस, अभी आएगा सामान लेके जाएगा, उसके बाद हम निकलेंगे गाइस उसी के साथ। तो अभी वेट करते हैं गाइस, देखते हैं कब तक आता है, उसके बाद निकलेंगे। फाइनली गाइस अभी हम सेट पहुँचिए, और अभी देख सकते हैं गाइस अभी ओल्ड फील्ड प्लेस में है, और अभी जो है गाइस आज जो बुकिंग मिला है धीरज भैया के साथ, और अभी धीरज भैया आए नहीं गाइस, देखते हैं कब तक आएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आज जो बुकिंग मिला है गाइस वही 50 टन न्यू क्रेन में ही मिला है, लेकिन जो केबिन है एलटी जो केबिन है गाइस उसमें मॉडिफिकेशन करना था, वो जो मॉडिफिकेशन किए थे पहले वो जो मॉडिफिकेशन किए थे वो सीटी में किए थे गाइस, सीटी का जो फ्रंट है ऊपर वाला उसमें किए थे मॉडिफिकेशन, और आज जो मिला है गाइस एलटी में मिला है, केबिन जहाँ पर बैठ के ऑपरेट करते हैं क्रेन को, तो उसमें मॉडिफिकेशन वेल्डिंग करना है गाइस, और अभी देखते हैं कब तक आएगा धीरज भैया, तो उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे गाइस। और अभी इधर ही धूप में बैठते हैं गाइस, अभी आएगा तो अपने कॉल। फाइनली गाइस अभी काम खत्म हो गया, और जो बुकिंग मिला था गाइस P2 में जो बुकिंग मिला था 50 टन और 15 टन में हैंडल मॉडिफिकेशन वेल्डिंग था गाइस, और 15 टन में केबिन का जो मॉडिफिकेशन वेल्डिंग था, तो धीरज भैया नहीं आने के कारण वो वाला काम नहीं हुआ, 2 घंटा वेट किए P2 में, काम नहीं हुआ गाइस, तो मेरा जो बुकिंग पे हो गया पेंट करने बोला, जाके जो पिलर है छोटा छोटा जो पिलर है उसमें पैनल था, तो उसमें पेंट करने के लिए बोल रहा था, तो वाला पेंट खत्म हो गया, और P3 में जो काम था थापस भैया और रवि भैया पेंट कर रहे थे, हम जो पेंट थे वो इशू करवा दिए, बस वही काम था गाइस। और अभी जो गाइस आ गए हैं देख सकते हैं स्टेशन, और अभी देखते हैं रांची पटना जनशताब्दी, देखते हैं कितना जाता है, और अभी उसका टाइम है गाइस, देखते हैं अभी निकलेंगे उसी से। और गाइस देख सकते हैं अभी रांची पटना जनशताब्दी लग गया है, और अभी जो इसी से निकलेंगे गाइस, तो अभी जाते हैं।